नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निम्मे सिन्हा। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का दर्जा रखने वाली कांग्रेस इन दिनों असमंजस में फंसती नजर आ रही है और इसकी वजह कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव है। कांग्रेस कार्य समिति ने 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के चुनाव को मंजूरी दी है। चुनावों के परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किए जाने हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या राहुल गांधी ही होंगे कांग्रेस के अध्यक्ष या किसी नए चेहरे को मिल सकती है मंजूरी? आखिर कौन बनेगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष? कांग्रेस में इन दिनों सुगबुगाहट तेज हो गई है। वजह है कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। एक तरफ जहां अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, तो दूसरी तरफ ये चर्चा जोरों शोरों से शुरू हो गई है कि क्या राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। राहुल चर्चा का विषय तब बनी जब उन्होंने एक तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की, जिसके साथ ही कैप्शन भी लिखा। कैप्शन में उन्होंने ऐसा क्या लिखा जिसके बाद वो चर्चा में आ गए, ये आप अपनी स्क्रीन पर खुद ही देख लीजिए। केरल में भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल ने एक फोटो शेयर की है। फोटो में राहुल नाव पर बैठे नजर आ रहे हैं। राहुल ने फोटो पर कैप्शन दिया, जब नाव बीच मझधार में फंस जाए तब पतवार अपने हाथ में लेनी ही पड़ती है। न रुकेंगे न झुकेंगे, भारत जोड़ेंगे। अब इसे पढ़ने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि वे पतवार खुद के हाथ में रखना चाहते हैं। तो वहीं इन सब के बीच केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सुर अलग नजर आ रहे हैं। थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की अपनी मंशा जाहिर कर दी है। कांग्रेस नेता ने अपनी ये इच्छा पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से सोमवार को मुलाकात के दौरान भी प्रकट की। सूत्रों की माने तो इस पर सोनिया ने उनसे कहा कि यह आपका निजी फैसला होगा, पार्टी में हर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नजदीक आने के साथ ही राहुल गांधी को फिर से कमान सौंपने की मांग तेज होती जा रही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस में सुधार को लेकर मुखर रहने वाले नेता इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। पॉलिटिकल डेस्क, टीएनपी न्यूज़।